ताओ पति समझावे तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? अच्छा, शंकर जी जैसा ज्ञानी पति हो तो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? हम उस पति की बात नहीं कर रहे कि शराब पी के बोले हो, हमारी बात मान, चल चल चल। ले जावे वो कुआं में पटक दे, उससे हो सही नहीं। ना ना, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, नशेड़ी पति की बात नहीं कर रहा हूं, जुआड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं जो विश्वनाथ पूरे विश्व के मालिक हैं, जो ज्ञान के समुद्र हैं, उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है, उनसे बड़ा सृष्टि का संतुलन बनाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। प्यारे, सारी सृष्टि का संतुलन यदि बना रहे हैं तो वो भगवान शंकर है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, उनकी बात मैं कर रहा हूं जो त्रिभुवन में जिनकी महिमा है। ऐसे ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर समझा रहे हैं सती को, पत्नी के रूप में सती है, बोलो समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? लेकिन नहीं समझ रही, क्यों? संशय लिए बैठी है, बुद्धि में क्या चला गया है? संशय बैठ गया है बुद्धि में। इसलिए मैं कहता हूं कि संशय को निकाला जा सकता है। हे सती, तेरी बुद्धि में संशय बैठ गया है, आज तेरे बुद्धि के संशय को दूर करने के लिए मैं तुझे उस स्थान पर ले जा रहा हूं जहां मेरे इष्ट प्रभु राम की कथा हो रही है। तो सती ने कहा, राम कथा से संशय दूर होता है? हाँ, राम कथा से संशय दूर होता है। राम कथा सुन दर कर तारी, 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 संशय बिहंग उड़ावन हार, हो सुंदर कर तारी, संशय व्यंग उड़ावन हारी। ये संशय रूपी पक्षी जो तेरे खोपड़ी पर बैठ गया है ना, बस इसको भगाने के लिए मैं जा रहा हूं, तुझे ले जा रहा हूं, चल तो मेरे साथ। सती जी ने कहा, महाराज आप कह रहे हैं तो मैं चल रही हूं, आप कह रहे हैं तो मैं चल रही हूं, और वास्तव में सती जाने लगी साथ। देखो नारी का कितना सम्मान है। माताओं, शास्त्रों ने तुमको विशेष रूप से सम्मानित किया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण, क्षमा रूपेण, कृपा रूपेण, भक्ति रूपेण, मुक्ति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण। बोलो, कहा कि नहीं कहा? कितनी विशेषताओं से भरा हुआ तुम्हारा व्यक्तित्व है ये शास्त्र कह रहा है। इनके लिए कहा, या देवता सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। बोलो, कहा हो तो बताओ। या देवी सर्वभूतेषु कहा, या देवता सर्वभूतेषु नहीं कहा? बोलो, कहा हो तो बताओ। या देवी सर्वभूतेषु, कितना सम्मान है, लेकिन तुम्हारे जीवन में संशय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संशय नहीं होना चाहिए। इसी संशय के कारण घरों घरों में दीवाल खड़ी हो रही है। बोलो भाई, घरों घरों में जो दीवाल खड़ी हो रही है, किस? नारी के संशय के कारण। नारी की बुद्धि संशयात्मक है, इसलिए नारी के संशय के कारण आज घर के अंदर दीवाल खड़ी हो रही है, और यही तो संशय है। रूठ के बैठ जाती है। अब तुम पहुंचे शाम को घर, क्या बात है,
बात तो बहुत बड़ी है, क्या बता। अरे बताना तो पड़ेगा, क्या बड़ी बात है, जल्दी बोलो क्या बड़ी बात है। पड़ोसन आई थी और कह रही थी, अब देखो संशय बोल रहा है, संशय दिमाग में भर गया, वही संशय बोल रहा है। क्या कह रही थी पड़ोसन, कमाए तुमरे वो खाए सबरे, कल से हम भोजन नहीं बनाएंगे, अलग से चूल्हे की व्यवस्था करो, और यदि तुम अपना हित चाहते हो तो अपना हिस्सा अलग कर लो, जिंदगी भर निकल जाएगा इसी तरह, कमाते धमाते मिलेगा कुछ नहीं, मर और जाओगे। ये कौन बोल रहा है जल्दी बोलो, ये संशय बोल रहा है। माताओं अगर तुम्हारी बुद्धि से संशय दूर हो जाए तो पूरा संसार तुम्हारे प्रति श्रद्धान्वित हो जाएगा, क्योंकि श्रद्धा रूपेण संस्थिता, आपसे बड़ी श्रद्धा किसी के जीवन में नहीं है, और आपके प्रति जितनी श्रद्धा समाज करता है और शास्त्र कह रहा है उतना किसी के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। बोलो भाई गलत कह रहा हूं मैं? जब जन्म होता है तो कन्या के रूप में श्रद्धा उमर पड़ती है। बोलो किस रूप में, कन्या के रूप में। जन्म हुआ तो कन्या के रूप में श्रद्धा, देवी माना, शक्ति माना, प्रणाम किया, कन्या है। कल्पना करिए आप, जब यौवन आया तो याद रखना बहन मान करके हमने तुम्हारी श्रद्धा की। बोलो तुम्हारे प्रति श्रद्धा की। और यदि संयोग कहीं ऐसा बना, विधि का विधान हुआ, यदि परिणय बंधन में किसी नारी के साथ तुम्हें बढ़ना पड़ा तो याद रखना तुमको लक्ष्मी माना। क्या माना है? लक्ष्मी माना। बोलो माना लक्ष्मी की नहीं माना, सामान्य नारी नहीं माना, मंडप के नीचे लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? बोलो श्रद्धा नहीं है तो क्या है? लक्ष्मी माना है। जब और ऊपर तुम श्रेणी पर पहुंची तो तुम्हें मां के रूप में स्वीकार कर लिया समाज ने। बोलो भाई जब कोई नारी वृद्ध हो जाती है समाज में तो समाज की धारणा क्या होती है? ये हमारी मां है। जन्म देने वाली माँ तो माँ होती है, लेकिन माँ के समान उम्र वाली जो नारियां हैं उनके प्रति क्या भाव होता है जल्दी बोलो? माँ का ही भाव होता है। कितना सम्मान, कितना आदर। लेकिन संशय रूपी पक्षी यदि सिर के ऊपर बैठा रहेगा तो सम्मान चला जाएगा। सती का सम्मान चला गया। बोलो चला गया सम्मान कि नहीं? लेकिन सम्मान मिला और सम्मान गया, ये दोनों भाव आज प्रथम दिवस की कथा में समझिए सीखने को सुनने को मिल रहे हैं आपको। सुनते जाना बस, क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं। जिंदगी हो गई मुझे कथा कहते कहते 50 साल, तो कथा कहते कहते हो गया। अब बोलो भाई जिंद 50 साल की जिंदगी बहुत होती है कथा की। अब बराबर कथा कह रहे हैं, ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता है। लेकिन सत्य तो ये है कि जो भी मैं कह रहा हूं मेरे हृदय में बैठा हुआ मेरा इष्ट मुझसे कहलवा रहा है। और याद रखना मेरा इष्ट सामान्य इष्ट नहीं है, साधारण इष्ट नहीं है, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम कहा जाता है वही मेरा इष्ट है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, उनसे बड़ा मर्यादित जीवन किसी ने नहीं जी पाया है। भगवान राम जैसा मर्यादित जीवन किसी ने नहीं, अवतारवाद में देख लीजिए आप, मर्यादा की पराकाष्ठा है प्रभु राम। बोलो है कि नहीं? इसलिए वो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, जैसा वो कहलवा रहे हैं वैसा ही मैं कह रहा हूं। इसलिए आज ये मर्यादा की आचार संहिता रामचरितमानस राम कथा आप सब सुन रहे हैं बैठ करके, इसलिए मैं प्रबल दावेदारी के साथ कह रहा हूं कि भगवान शंकर कहते हैं ये संशय रूपी पक्षी जब तक बना रहेगा तब तक परिवार का विकास नहीं होगा और न व्यक्ति का सम्मान रहेगा। इस संशय के कारण ही विडंबना पैदा हो रही है। इसलिए कथा संशय को दूर करती है, संशय रहना नहीं चाहिए। संशय के कारण ही आज अलगाव हो रहा है, संशय के कारण दूरियां होती जा रही हैं, संशय के कारण अनंत विडंबनाएं हमारे जीवन में आती चली जा रही है। इसलिए संशय रूपी पक्षी इसको दूर करने के लिए राम कथा का आयोजन किया गया है। ये राम कथा का आयोजन
संशय रूपी पक्षी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। संशय रूपी पक्षी दूर हो जाए। सम्मान कितना है? पति की भूमिका में भगवान शंकर हैं और पत्नी की भूमिका में सती है।